now you something. It's a better thing. Once again. Again. शीशे में you make this video that yes she's doing this and they are oh अच्छा they are in that wow मतलब दूर से okay so just start. से पहले ये चश्मे से बड़े इतना तेज धूप है वहाँ पर और आई एम शूटिंग एवरी डे थोड़ा वो लग रहा है आई एम नॉट गुड आई हैंडल सेल्फ फोटोज एंड आई डू लाइक अब आपको मेरा काम नहीं पता है सो कि अच्छी यूज कर सकते हैं बड़ा स्टूडियो है ना नहीं कि वो यूज यही कर आ जाना जल्दी ऐसे लिखा वो आते हैं जल्दी अभी नहीं अभी सुबह म्यूट पे लूंगा प्लीज
से थोड़ा छूट भी जाएगा चलेगा, उसके बाद हम कंटिन्यू कर लेंगे ना जब इंडियन बैंक होगी ना उसके बाद। Lovely. The same look, just give me that look. की जरूरत ही नहीं है, देखो इसी में सब काम हो जाएगा तुम्हारा। क्या भाई जगह दे दो मुझे। So this is Poonam Ahuja. She
डज माई मेकअप एंड माई हेयर. जब भी हम सेट पर शूटिंग कर रहे होते हैं और कुछ अपना ही कुछ फन फेस्टिव वाइज कुछ स्पॉन्टेनियसली प्लान करते हैं तो शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ फैबुलस एंड यू कैन सी इट ऑन मी. सो व्हाट हैव यू प्लान्ड फॉर मी, आज क्या प्लान किया आपने मेरे लिए बताइए. First of all, I would like to say Hunar is a beautiful artist and her smile is so lovely. Whatever look I give her, she looks the best. So, आज हम दिवाली का फेस्टिव लुक कर रहे हैं एंड मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि मैं उसकी ब्यूटी को और निखार सकूँ एंड आई विश हैप्पी दिवाली टू एवरी वन. डोंट बर्स्ट फायर क्रैकर्स. कोशिश करो कि आप बिना फायर क्रैकर्स के चॉकलेट्स खा के मिठाइयाँ खा के रंगोली बना के दिए जला के जितना नॉन क्रैकर फ्री दिवाली बना सके उतना बनाइए और अपने घर वालों के साथ रहिए, आसपास रहिए, खूब मज़े कीजिए एंड मेरी तरफ से आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. ये मत गाओ. ये बंद करना पड़ेगा आपके फोन अपना. और बताओ भी पूनम आज क्या कर रहे हैं. हम इंडियन में दिवाली लुक कर रहे हैं. इनको इंडियन लुक का मेकअप दिया हुआ है. बाल सेट करने जा रही हूँ. थोड़े कॉर्न्स रहेंगे. दिस विल मेक यू लुक मोर ब्यूटीफुल. हवा चल रहा है. चलिए मैडम वन रेडी. थैंक यू.
करूं? हाँ रेडी मना नहीं कर सकता मैं तो अभी ठीक है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर बुलाऊंगा क्या हो गया इनका क्योंकि ये तो इनके उसमें भी दिख जाएगा चलिए रेडी रेडी ओके फैन बंद कर फैन बंद कर मेरे को फैन बंद करो चलो रो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड टू सी यू मैम आपको इस तरह देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है काफी ज्यादा खूबसूरत भी लग रही हैं आप फोटोशूट हो रहा है क्या कुछ दिवाली के प्रोग्राम चल रहे हैं कुछ बताना चाहें आप अपने ऑडियंस को सबसे पहले दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सब शुभ मंगल हो सबका यही कामना है मेरी और हाँ क्योंकि त्यौहार का समय है तो त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए हमने भी त्यौहार के हिसाब से ड्रेसअप किया है दिए क्योंकि शुभ होता है तो हम दिए भी जलाएंगे और उसी के ज़रिए सबको शुभ दीपावली विश करेंगे क्योंकि मकसद तो यही है कि हर कोई जो है वो जितनी सारी चीज़ें जो कि नुकसानदायक ना हो एनवायरनमेंट के लिए खुद के लिए अपने आसपास के लोगों के लिए उसी का इस्तेमाल करें वही अच्छा है वही सही है और बाकी तो हर त्यौहार खुशी का ही होता है अपनों के साथ बिताने का होता है स्पेंड करने का होता है त्यौहार का समय है तो हमने कहा कि हमने सोचा कि त्यौहार के साथ साथ थोड़ा बहुत कुछ अच्छा सा ड्रेसअप कर लिया जाए और उसे अच्छी सी पिक्चर्स में उतार लिया जाए तो यहाँ हम मैं रूपाली तलान के साथ फोटोशूट कर रही हूँ शी इज़ अ फैब फोटोग्राफर एंड हमने काफ़ी अच्छी पिक्चर्स निकाली हैं जो लुक्स है जो सब कुछ है वो पूनम आहूजा उन्होंने मेरा मेकअप मेरा हेयर सब कुछ किया है जो मेरी टीम से हैं और हम इंजॉय कर रहे हैं मस्ती कर रहे हैं वाओ एक टाइम था जब आप टेलीविज़न में हुनर में काफ़ी ज़्यादा छाए हुई थी मुझे अगर पर्सनली कोई बोले कि आपके शो कौन से पसंद है तो मैं आपका शो आज भी यूट्यूब पे देखना पसंद करती हूँ छल शाह और मात का जो काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भरा आपका टीवी शो रहा और लोग कहीं ना कहीं आपको पसंद करते हैं और ऑडियंस को आप जिस तरीके से फिटनेस के लिए हेल्दी रहने के लिए प्रेरित करती हैं काफ़ी ज़्यादा आपने वेट लॉस भी किया है कुछ बताना चाहें इसके पीछे राज क्या है देखो ऑब्वियसली इतने साल हो गए काम करते करते और हर एक चैनल की एक अलग अलग ऑडियंस होती है हर एक शो की एक अलग अलग ऑडियंस होती है अब मैं दंगल का शो कर रही हूँ दीवानी उसके एक अलग दर्शक है अलग ऑडियंस है अब जैसे आपने छल की बात करी तो उनके अलग दर्शक थे अलग ऑडियंस थी अब आज की डेट पे भी अगर मैं कोई भी पोस्ट डालती हूँ भले ही मैं दीवानी में देविका बासु का किरदार प्ले कर रही हूँ फिर भी लोग कमेंट करते हैं और बोलते हैं हाय अदिति हमें आपका शो देखते थे छल से और मात कोई कहता है हाय मिली सेठी हमें करोल बाग 12/24 बहुत पसंद है तो कोई बोलता है कि जया जी कैसी हैं आप हम दहलीज देख रहे हैं आज भी देख रहे हैं और आपको बहुत मिस करते हैं तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग सीरियल में अलग अलग दर्शकों से मुलाकात होती है और अलग अलग घरों में हम जाते हैं किसको क्या पसंद है किसको क्या नहीं कोई कहता है कि नेगेटिव करती है तो कमाल कत्लेआम हो जाता है कोई कहता है कि नहीं इतनी पॉजिटिव है नेगेटिव क्यों करती है तो हर किसी का अलग अलग नज़रिया है और बस मेरा बस यही रहता है कि टाइपकास्ट नहीं होना है और अलग अलग शो करने हैं अलग अलग किरदारों में ढलना है ताकि कोई मुझे देखे तो वो ये नहीं सोचे नहीं ये तो ये ही कर सकती है तो हर किरदार में मुझे वो अपना सके तो अभी फिलहाल तो आप मुझे देखना चाहें तो दंगल में देख सकते हैं ये भी जानना चाहूँगी जैसे कि आपके साथ के लोग रियलिटी शो से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए टीआरपीस हासिल किए कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए नज़र आए आपका कभी ऐसा फ्यूचर प्लान नहीं है कि मुझे भी रियलिटी शो करनी चाहिए बिग बॉस जैसे हाँ अगर सोलो
रियलिटी शो करने के लिए मुझे बोलेंगे तो मैं सोलो में इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि एज अ कपल आई डोंट रियली बिलीव इट्स द राइट थिंग टू डू सो इसीलिए बिग बॉस देख रही हैं आप इस समय आपके फ्रेंड भी हैं बिग बॉस हाउस में हाँ करण बेहरा मैं उन्हें सपोर्ट कर रही हूँ फुल टाइम सपोर्ट कर रही हूँ उनका गेम कैसा लग रहा है दिमाग है उसमें बहुत दिमाग है वो उन्हें मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ इनफैक्ट मैं कोरोना के बाद तो मैं इवेंट करती थी पार्टी हैलोवीन थ्रो करती थी वो मैंने वो नहीं हो पाया तो वो मैंने नहीं किया बट वो आते थे हमेशा जब भी किसी भी बर्थडे पार्टी कहीं भी कभी भी इनवाइट करो तो इज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन बींग आई रियली लाइक हिम ही इज़ हम्बल अच्छे हैं और बहुत दिमाग है उनके अंदर और टास्क वास्क भी आपने खतरों में तो देखा ही है कितना अच्छा करते हैं वो तो टास्क तो बहुत ही अच्छे से कर लेंगे वो यहाँ पे बिग बॉस में और दिमाग तो उनमें है ही तो दिमाग तो चाहिए ही अगर आपको बिग बॉस करना है तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत टारगेट हो रहे हैं बिग बॉस के अंदर क्योंकि सबको भी थ्रेट होता है ना कि हमें आगे निकलना है तो जो ज़्यादा बेहतर है उसको किसी तरीके पीछे खींचो बट आई एम श्योर ही विल मैनेज ही इज़ वेरी गुड दिवाली की बात करें तो दिवाली में तो अभी तो ये आप अपने पर्सनल शो करा रही हैं बट टीवी शो की बात करें तो उसमें कोई ऐसा प्लान चल रहा है दिवाली के प्रो एपिसोड का देखो अभी तो जो मैं शो कर रही हूँ उसके अंदर तो अभी तो बहुत ही सस्पेंस बना हुआ है कि अभी देविका बासु क्या करने वाली है क्या होने वाला है तो फिलहाल मुझे दिवाली क्योंकि वहाँ मनाने को नहीं मिल रही है तो हमने कहा कि चलो इधर ही मना लेते हैं क्या बात है और बाकी घर वालों के साथ अपने अपनों के साथ तो हम दिवाली मनाते ही हैं अपने दोस्तों के साथ मनाते ही हैं तो वो तो होगा ही लास्टली जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस को आप सभी को शुभ दीपावली आप सबको मेरा प्यार और आपके प्यार के लिए मेरा शुक्रिया आपको थैंक यू सो मच दे बेस्ट सर अभी दंगल टीवी कहाँ आप लोग करोगे नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि हम लोग ऑन लोकेशन नहीं करते ये लोग फ्यूचर स्टूडियो में कम ऑन मैं सेट एक भी बारी तो देखा भी नहीं कर न्यूज में सब जगह पे था मस्तानी कम बैक एंट्री है वो तो जरूरी है दंगल पे ना मतलब जा रहा हूँ झारखंड में शूट फर्स्ट वीक फर्स्ट वीक में हूँ मैं 20 तारीख के बाद नहीं हूँ शूटिंग नवंबर फर्स्ट वीक से चालू है वो जो दूजे लाल कार्ड बच्चन उसने पूछा Yeah, this is fine.